यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने ये खूबसूरत मौका दिया कि हम सब मिलकर एक दफ़ा फिर जमा हुए और हम अपने ज़िंदा खुदा की प्रस्तुति और हमद सना की है। खुदा का शुक्र हो। अब वक्त है हम खुदा के ज़िंदा खूबसूरत कलाम पाक को भी सीखें। सो खुदा के खूबसूरत कलाम पाक के अंदर हम देखते हैं मकाशफा की किताब मुकदस में से, मकाशफा उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर लगने में खलड़ पैदा हो, तो 17 की 1 से लेकर 2 आयतें पढ़ेंगे। 17 बाब की पहली 2 आयतें जी आपके जी। भक्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। आमीन। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। सो आज हम खुदा के खूबसूरत मकाशफा की किताब मुकदस, मकाशफा की किताब वो राज में से पर्दा उठाती है जो आने वाले वक्त में खुदा अपने बंदों को दिखाना चाहता था, अपने लोगों पर आगाह करना चाहता था, वो राज की बातें हैं। सो जो नबी ने देखा है, नबी ने बयान किया, क्योंकि लिखा गया कि लिख ली, ये बातें सच और बरहक हैं। इसलिए हम देखते हैं उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे जो आफतों से भरपूर थे, जो ज़मीन के लोगों के रहने वालों के गुनाह के सबब से उनके लिए भरे पड़े थे, कहा कि आ इधर आ, मैं तुझे बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं। बड़ी कस्बी जो बहुत सारे पानियों पर बैठी हुई है। पानी जो है ये कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को जाहिर करता है, यानी बहुत सारे कौमों पर, उम्मतों पर जिनके ज़ेन इसने बंद कर रखे हैं, इसकी तरफ इशारा है। सो कस्बी उसे कहा जाता है जो एक ख़ास काम करने का कोई शख्स माहिर हो, औरत हो या मर्द हो, उसे कस्बी या कस्बी जो है वो बद किरदार लोगों को पुकारा जाता है। इसलिए यहाँ रसूल को खुदा के फरिश्ता ने यीशु मसीह की मार्फत ये मकाशफा दिया कि कस्बी नहायत ही गलीज, नहायत ही नपाक और बदकारी से भरी हुई एक शख्सियत को जाहिर किया जा रहा है। लिखा है कि वह पानियों पर, बहुत सारे लोगों के जहनों पर, उनकी जिंदगियों पर कब्जा किए हुए बैठी है और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने भी हराम क्यार की है, यानी जिनको मैंने रुतबा दिया, जिनको मैंने इज्जत बख्शी और जिनको मैंने बड़ा नाम दिया और तमाम दुनिया की कौमों पर, लोगों पर इख्तियार बख्शा, वो बादशाहों ने भी इस बात को ना समझा और ना जाना कि खुदा है कौन और उसकी इबादत किस तरह लाजम और दुरुस्त है। उन्होंने भी वही काम किए जो कि वो लोग चाहते थे, जो कि वो पानियों पे, कौमें, कबीले चाहते थे, हरामकारी की और ज़मीन के रहने वालों में, बादशाहों से लेकर ज़मीन के आया तक तमाम लोग जो उसमें थे, उन्होंने हरामकारी की और हरामकारी की मैं से क्या हो गए, मतवाले। अब ये खूबसूरत जो खुदा के मकाशफा की किताब के राज हैं, अब हम इनको देखते हैं कि ये किस कस्बी की बात हो रही है, ये क्या है। आए मेरे साथ देखें हवाला हिज़कील नबी की मार्फत खुदा का कलाम, उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर है 7। 8 बाब की 7 आयत में से खुदा का कलाम सीखेंगे और हम देखेंगे किस कस्बी को किस अंदाज से खुदा ने जाना है। याद रखें कि जब कोई एक मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी ज़िंदगी से हटकर दूर चला जाता है तो फिर लोग उसे बुरे लफ्ज़ से पुकारते हैं, उसे कस्बी का दर्जा देते हैं, उसे बुरे लफाज से पुकारते हैं। इसी तरह जो इंसान खुदा की हजूरी से हट कर अपनी लाइफ किसी और के नाम करता है, किसी और के साथ अपने ख्यालात तलुकात जोड़ता है, उसे कस्बी से तशबीह दी गई है। तो हिज़कील की किताब 8 की 7 में हम इस कस्बी पर देखेंगे कि क्या खुदा ने रद्द अमल ज़ाहिर किया। जी
हिजकेल 8:7 आयत लिखा है, तब वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैं नज़र की कि क्या देखता हूँ कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, आदमजात दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाज़ा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहाँ करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा, क्या देखता हूँ, हर नौ के सब रेंगने वाले कीड़ों को, मकरूह जानवरों की सब सूरतें, बनी इसराइल के बुत गिरदा गिर्द दीवार पर मनकश हैं और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं। याजनिया बिन साफन उनके वास्ते में खड़ा है और हर एक के हाथ में बखूरदान है और बखूरदान का बादल उठ रहा है। तब उसने मुझे फरमाया, आदमजात क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तरीकी में यानी अपने मनकश के शानों में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया। आमीन। सो ये वो कस्बी है, कस्बी से तशबीह दी गई यानी खुदा को छोड़कर और मबूदों की इबादत करना और तरीके से खुदा को खुदा समझ कर उसकी इबादत करना। जिस तरह बहुत सारे लोग जो है सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि चर्च जाना है, चर्च किसी भी जगह चले जाएं, चर्च खुदा का घर है। लेकिन ये भी लोग कौम बनी इसराइल में से हैं और ये एक इबादत खाना उन्होंने बनाया, लेकिन वहाँ इबादत वो तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी दीवारों पर, मुनकशफ हैं, खींची हुई हैं, उन्होंने बनाई हुई हैं, सूरतें बनाई हुई हैं और ये बुत के गिरदा गिर्द दीवार पर मुनकशफ हैं। और लिखा है कि उसके अंदर एक खुदा उनका ख़ास बंदा जो इस बात की तकलीद करता है कि मैं खुदा का नबी हूँ और मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं आपको इबादत करवाता हूँ, वो उनके दरमियान याजानिया बिन साफन है, खड़ा है वास्तव में। 70 लोग उसकी पैरवाई कर रहे हैं और वो सब मिलकर एक कस्बी की इबादत कर रहे हैं, कस्बी कर रहे हैं, वो कस्ब जो खुदा को नापसंद है, गैर मबूदों की उनकी सरिश्त के अंदर था। बनी इसराइल कौम जब देखते हैं, हम देखते हैं इंसान की सृष्ट के अंदर एक ऐसी बात है कि अगर वो बदी को ना छोड़े तो बदी उसे नहीं छोड़ती, लेकिन जब हम बदी को खुद खुदा का खौफ मानते हुए छोड़ेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी से जाएगी। इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो गौर नहीं करता, वो तवज्जा नहीं करता, वो अफसोस नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ता है। मिसाल की किताब में लिखा है, नदान बढ़ते चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसी तरह ये लोग नदानी के साथ इबादत कर रहे हैं गोया नबी के साथ मिलकर, लेकिन वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि वो किसकी इबादत कर रहे हैं जो खुदा ने नहीं फरमाया। क्योंकि इस्तिशना 4:5 पे लिखा है, तो किसी इंसान की इबादत ना कर, किसी मूर्त सूरत की इबादत ना करना, नीचे ना ऊपर आसमान पर भी, अगर तू चाहता है कि खुदा है तो उसको भी खुदा की तस्वीर बनाकर पूजा ना करना, ज़मीन के अंदर ना ज़मीन के पानियों में, कुछ भी है। लेकिन ये लोग ऐसे थे कि बनी इसराइल कौम को आदत पड़ी थी, जब वो मुल्क मिस्र के अंदर थे तो लोग बुतप्रस्ती करते थे, तो फिर वो उनकी आदतें अपनाए हुए थे। जब उनको थोड़ी सी मुश्किल आती थी ज़िंदगी में तो वो बुतों की सूरत के पीछे लगकर ये सोचते थे कि शायद ये बुत हैं, उनका ईमान इतना कमज़ोर और खुदा से वो इतने मुनकिर थे। इसलिए कलाम बयान करता है कि ये कस्बी है जो मकाशवा की किताब में, जिन्होंने आज भी कस्बी को नहीं छोड़ा, वो आज भी कस्बी की बातों में और फिर खुदा के नबियों को जो सच्चाई और हक की तलीम देते हैं, खादमों को हक बताते हैं, उनको जुटलाते हैं और ये कहते हैं कि ये नबी ने कैसे कलाम किया। सो आए मैं आपको दिखाती हूँ खुदा उन नबियों के बारे में क्या कलाम करता है। यर्मिया की किताब उसका 23 और उसकी आयत नंबर 13 से हम खुदा का कलाम देखते हैं। यर्मिया 23:13 लिखा है, मैंने सामरिया के नबियों में हमाकत देखी, उन्होंने बाल के नाम से नबूवत की और मेरी कौम इसराइल को गुमराह किया। मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक होलनाक बात देखी कि वो जना के पैरोकार और बदकरदारों के हामी हैं, यहां तक कोई शरारत से बाज नहीं आता, वो सब मेरे नजदीक सदूम की मानंद और उस बशिंदे अमूरा की मानंद है। इसलिए रबल फाज नबियों की बाबत यूँ फरमाता है, देख मैं उनको ना गदूने खिलाऊंगा और अंदरीन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। आमिर ये कस्बी है, ये जो कस्ब इंसान किसी को सिखा देता है, एक आदत बना देता है कि तुम ऐसे नहीं, क्योंकि सिखाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अगले बंदों को तलीम देता है और कलाम सुनाने की किस हद तक वो सच्चाई के साथ तरबियत करता है। अगर वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं तो वो खुद दूसरे की तरबियत नहीं। इसलिए वो नबी थे, कहने के वो नबी थे, और लेकिन वो बाल के नाम से, जो बाल एक देवता था, उसके नाम से नबूवत करते और बनी, वो कहते बाल का मेला लगे तो उत्थे भी टुर जाना, बाल की अगर जरूरत पाए तो उत्थे भी कर लेना,
ते अगर खुदा की जरूरत पाए तो खुदा सच्चे नबियों को भी आ जाना। ये उन्होंने दो तरह की कैटेगरी पकड़ी हुई थी कि वो बाल की भी पूजा करते थे और वो खुदा के नबियों यशवा उसके यसाया के पास यर्मिया के पास भी आते थे और इनसे भी दरियाफत करते थे। तो जब ये दरियाफत करने के लिए आए तो फिर नबी ने इनके बारे में ये कलाम दिया और फिर लिखा है 16 रब्बल फा यूं फरमाता है उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं कि तुमको बतालत की तलीम देते हैं, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं कि ना कि खुदा के मुंह की बातें, वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं खुदावन ने फरमाया तुम्हारी सलामती हो हर एक से जो अपने दिल की शक्ति पर चलता है, कहते हैं तुझ पर कोई बला नहीं आएगी, पर उनमें से कौन खुदावन की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे और उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया, आमीन। ये है खुदा का कलाम जो नबी की मार्फत खुदा ने खुदा रब्बल फाज फरमाता है उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुम्हें झूठ की तलीम देते हैं और तुम्हें झूठ का इल्हाम बयान करते हैं ना कि खुदा उनके मुंह की क्या करते हैं बातें। अगर आज यहाँ सच कहें, अगर आपको तलीम दी जाए तो बजाय इसके कि वो खुदा के कलाम को सुने वो बल्कि नबियों की खुदा के खादमों की तहकीर करते हैं, हकीर जानते हैं। और जब कोई नबी को हकीर जाने खादम को हकीर जाने तो कलाम लिखा मुझे हकीर जानने वालों से कहते हैं खुदा उन्होंने फरमाया की कहते थोड़ी सलामती है। अज भी किसी के घर टुरदे को पादरी फड़ के बाइबल माजरत के नाल मैं भाइयों को सलाम करनी है खुदा नाल बरकत दे, लेकिन अगर गलत है तो आप खुद समझे भैन जी भाई जी सलामती थोड़ी होवे, तू चर्च जावे या ना जाए तू आओ तो दुआ करिए, तुहानू खैर ही होएगी, तुसी बस मेरे को दुआ करा लो, तुहाडे सब हालात घर के कारोबार खुल जाएंगे, बंधन किए ने किसी ने बंदिश की किसी ने बंधे हैं तुहाडे ते जादू टूणा हमसाया ने किया खास तौर पर तुहाडे अजीजा ने किया जिहड़ियां तुहाडे भैन भरा ने विच ही रहिंदे ने। मुश्किलात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसी तरह ये नबी भी लोगों के घर जाते और उनसे ये कलाम करते लेकिन खुदा के कलाम की और बाल की जान ना छोड़ते, खुदा के कलाम के कीर जानते। लिखा है तुम्हारी सलामती हो हरगिज के, जब खुदा क्या कहता है हर एक से जो अपने दिल की शक्ति पर जिन्हों खुदा का डर नहीं उसकी सलामती नहीं। ये सच्ची बात है, जो आज खुदा के कलाम की इज्जत और कदर नहीं ना करता, उसको खुदा समझ के उसकी इबादत नहीं करता और अपनी दुनिया के अंदर मगन है तो कलाम बयान करता है वो दिल की क्या है उसकी शक्ति, उसका दिल क्या है पत्थर है। और खुदा का नबी कहता है हिजकिया हिजकिएल के खुदावंद इनको पत्थर दिल नकार कर गोश्त इन, क्योंकि पत्थर पर चोट लगे तो उसे कुछ असर नहीं होता पर अगर गोश्त पर लगे तो गोश्त तो फट जाता है और जब चीज़ फट जाती है तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ डालें तो उसको असर होता है। इसी तरह इंसान का दिल अगर नरम गोश्त की तरह ना होगा, नरम ना होगा खुदा का कलाम सुनने वाला, तो कलाम में लिखा है वो उनको कहते हैं तुम्हारी सलामती हो हर एक को जो अपने दिल की शक्ति पर चलता है, कहते हैं तुझ पर बला ना आएगी। तुसी ये नहीं नोट करना कि कोई आके तुहानू सलामती सलामती की दुआ करे तो तुसी खुश होना है पादरी चंगा है, सिस्टर जी चंगे ने हर वक्त साढ़े वास्ते बड़ी सलामती की दुआ मांगते हैं, लेकिन कलाम सच्चाई का नहीं बयान करना तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर तुहानू सच्चाई का कलाम मिल जाए और उस पर अमल करो तो फिर आपकी वाकई सलामती है, क्योंकि आप सदा सलामत रहेंगे इस दुनिया में नहीं आने वाले जहान में भी आपकी सलामती होगी। कलाम में लिखा है तुम पर कोई बला ना आएगी, हालांकि लोग बुलावा ना भरे है चर्चा से जाते हैं दुआ करते हैं घर शुक्रगुजारियां रख, लेकिन इस कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते। बाल को अपनी जिंदगी से निकालते, कस्बी को अपनी जिंदगी से निकालते, बुत प्रस्ती को अपनी जिंदगी में से निकालते। लिखा है उनमें से कौन खुदावन की मजलस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे, शर्त क्या है कलाम सुनना और फिर उसे समझना, फिर समझे किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया। लिखा है देख खुदावन के कहरे शदीद का तूफान जारी हुआ है, बल्कि तूफान का भगोला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। एक दिन आएगा तूफान का भगोला आफतों का भगोला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा और फिर उनको कोई तसली देने वाला कोई बचाने वाला ना होगा, ये खुदा फरमाता है। क्योंकि कलाम बयान करता है वो मुझे हकीर जानने वाले से कहते हैं खुदा ने फरमाया है तुम्हारी सलामती। अब देखें हम इस इलाके में रहकर अगर मरादी करते हैं, मैं पास्टर साहब किसी बगैर लालच के, हमें लालच नहीं है कि सानू को हदिया चंदा बंद करते बंद करो, सानू कोई टेंशन नहीं, क्योंकि खुदावन ने जब हमें उठाया है अप किया है तो उसने सब कुछ देकर अप किया है ताकि किसी चीज़ की जरूरत ना रहे, ताकि हम ये ना कहें कि आज तुसी इन्ना हथियार लाओ असी यह करना है, अगर जरूरत भी पई तो खुदा जरूर मुहैया करेगा, ये खुदावन का कलाम है। लेकिन हमने सच्चाई को लेकर चलना है, इसलिए खुदा का कलाम हम मना करते हैं कि बरसी नहीं होती इस एरिए के अंदर, सबको पता है कि बरसी का हम मना करते हैं, हम नहीं बरसी करते, और दूसरे पादरी जड़ा भी आता उठ के कहता है बाल का ना लैके कहता बरसी होती, मुझे ये बताओ कि यीशु मर गया था या जिंदा था, जिंदा है मर का जिंदा हो गया ना, तो जिंदे वाली बरसियां मनाई जाए मनाई जा,
तो जब हम यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो मर जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन फिर जिंदा हो जाएंगे। तो जो यीशु के नाम पर ईमान लाएगा वही निजात पाएगा, क्योंकि उसने कहा तोबा करो क्योंकि आसमान की बात है। तो जिसने सच्ची तोबा की है, तो अगर मर जाने के बाद देव का कोई बरसी बार करके भी आने के सारे प्यो मां ने गुनाह बख्शे गए, तो पादरी कलाम सुना के कहते हैं जी उन्होंने बाप इब्राहम की गोद से जगह तो फिर झूठ ना हो जाए, बालदी नहीं हुई बाल कसबी दी नहीं झूठ सलामती थोड़ी साढ़े अबे की भी सलामती अम्मा की भी दस दस साल हो गए फौत है सलामती और ग्राम की गोद से सुकून तसली पा लाइन। जब कभी उन्हें चर्च का रुख नहीं किया, जब कभी उन्हें कलाम सुनने से अपना टाइम ही नहीं कढ़िया, खुदा के नाल चलन की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कलाम कौन है जरा खुदा की मजलस में दाखिल होया। तो जो फिर अगर खुदा की मजलस से दाखिल हो गया उन्हें तौबा कर ली तो मर जाए तो वो बरसी करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें तो खुद खुदा को पहचान दिया, तो पैसे जाया करने की जरूरत है, तो रिश्तेदारों को सद के तो बाद चो रोटी पका के खवा के तो फिर लड़ाई पाने की जरूरत है। कई ऐसे रिश्तेदार ने मैं वेखे ने जो रोटी तो लड़ पके कई कई साल घुसे रहते हैं कि सानू तू दो रोटी नहीं सी दी, क्योंकि ये मेरा अपना जाती जज्बात है जिनको मैं बयान कर रही हूँ, तो की फायदा ऐसे झगड़े लड़ाइया पैदा करें, क्योंकि इंसान मर जाता तो इस दुनिया तो जिसमानी तौर पर रबता ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर रबता ना खत्म है तो फिर रोन की जरूरत है, रबता जुदाई हो जाती है खत्म हो जाता है तो लोग फिर उन्होंने कभी वेख नहीं सकते, वो कोई मिलन वर्तन कमी खुशी का कर नहीं सकते, कोई अच्छी बुरी गल नहीं दस सकते, तो फिर उन्होंने देख किस तरह पहुंच जाए, है ना बेवकूफी दी गल है ना, उन्होंने नबियां दी गल बदालत के बाल के नाम की तलीम देंदे कसबी बना के लोगों को इस्तेमाल करते और अपने दिलों की खुदा कहते मैं उन्होंने भेजे ही नहीं भेजे ही नहीं, यदि खुदा का कलाम झूठा साबित करते हैं तो अपने आप को सच्चा साबित करते कि जो असं बगाना कौमां दी रस्म मनाने सारिया रस्म गैर कौम चलना साड़ी कौम उन्होंने पैरवाई करती, अगर उन्होंने कोई कलाम सुनाने की कोशिश करे तो लोग की करते उन्होंने बरखलाफ ऐसा ही जिन्होंने मर गए ने जिन्हें मरे हुए की पूजा करते हैं वो तो कला करण बरसिंग जिन्हों का जिंदा है जिंदा की बरसी किस तरह हो सकती, तो जिंदा के मान लिया वाले कौन ने हमेशा जिंदा ने, क्योंकि लिखा है नाजर की हो गया लोगों वास्ते मर गया तो यीशु ने की किया मरा नहीं बल्कि की हो गया सो गया सोता है लाजर सुते की जो तो यीशु की आवाज़ हो गई तो लाजर आ गया बाहर, क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि दुनिया से पर्दा कर गया था, लेकिन उसका राजिक मालिक उसका जिम्मेदार कौन था वो यीशु जिस पर वो ईमान लाया। तो जब हम यीशु उसी पर ईमान लाते हैं फिर हमें इन फजूल रस्में पढ़ने की खुद तंग होने की कर्जे उठाने की दूसरों के गले शिकवे बर्दाश्त करने की और फिर मसीहत के नाम पर एक डब्बा लगवाने की क्या जरूरत है, क्या मसीही है और फिर खुदा के कलाम की बातें नहीं मानी, वो कसम करने हैं वो काम करने हैं जो पानियों पर बैठी सारी उमतें सारे कबीले जो खुदा से मुनकिर खुदा को मानते ने वो करते हैं। अब खुदा ने पहले बता दिया हिजकिएल में वो दीवारों पर तस्वीरें लगाकर वो दीवारों पर नक्शे लगा बनाकर चाहे वो किसी किस्म की तस्वीर बनाए कि उन यीशु कहे क्यों कसा मरियम कह या कोई होर कह दे, लेकिन वो नहीं, लेकिन खुदा तो सवा किसी को सीधा बच नहीं, खुदा तो सवा उसकी हजूरी पाक उसने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा मन के दरमियान मौजूद हूँ। जब हम इस बात का बिलीव करते हैं कि हम यीशु जिंदा है तो फिर हमें क्या जरूरत है इस तरह की रस्में करने की, इस तरह से ऐसी चर्चेज में जाकर उनकी पैरवाई करने की कि जब कलाम हमें सिखाता है ठीक है, जब तक इंसान नहीं सीखता इंसान बड़ी होता है इंसान को पता नहीं, लेकिन जब उसे पता चल जाए अगर फिर भी उसके मुताबिक करे तो वो ज़्यादा गुनाहगार बनता है। इसलिए कहता मैंने नबियों को नहीं भेजा है तो नबी रब्बल फाज फरमाता उन नबियों की बाबत मेरी बातें सुनो तो जो तुमसे नबूवत कहते हैं और करते हैं और तुमको बतालत बतालत कहते हैं झूठ झूठी तलीम देते हैं झूठी तलीम देते हैं अपने दिलों के लहाम बयान करते हैं ना कि खुदा। अगर सारे खादम मिलकर सच्चाई की बातें एक मुतफिक होकर कहें तो क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि बदले हैं, लोग ऐसे हैं कि लोग वो फिर मैं लोगों की रहनमाई के लिए ये खुदा से दुआ करती हूँ, हम सब कहते हैं खुदा के खादम कि आप किसी की बात पर ना जाएं, आपके बच्चे पढ़े लिखे आप पढ़े लिखे कलाम खोलें हवाला लें उसको पढ़ें आपको समझ आ जाएगी, आप किसी खादम किसी पास्टर किसी मिनिस्ट्री के पीछे ना जाएं अगर आपको समझ नहीं आती कलाम की। अगर इसको कलाम मानते हैं खुदा का लहाम मानते हैं इसे समझें इसे पढ़ें इसमें से जो कलाम मुझे और आपको सिखाता है उस पर अमल करें, किसी के पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि कलाम जो लहाम बयान करता है क्योंकि खुदा जब ऐसी चीज़ को पसंद ही ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं असी दुआ कर रहे हैं, अज मैं तो हवाला देनी जिद किताब कहता इन्हों की दुआ भी की गई है गुनाह 109 ज़बूर कढ़ो बाद लोगों की दुआ भी गुनाह है जिहड़े इस तरह के काम करते हैं 109 ज़बूर, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हर एक बात का हल हर एक बात की सच्चाई बयान की है गई है।
की होवे ओहदे नाल की सजा नूं मिले, खुदा माफ करे। सुने जरा ज़बूर 109 उसकी 7 है, लिखा है, जब उसकी अदालत हो वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कुता हो जाए, उसका मनसब कोई दूसरा ले ले, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, उनको अपने वीरान मकामों में जाकर दूर भीख मांगना पड़े। आमीन। ये खुदा का कलाम नबी बयान करता है। खुदावन जो तेरी मुखालफत में उतरा है, खुदावन जो तेरे कलाम से हटकर कुछ कहे, खुदावन जो तेरे कलाम के अंदर मिलावट करे, उसको ये सजाएं मिले कि जब वो अदालत में खड़ा जाए, किया जाए खुदा की बादशाही हुज़ूरी में, उसकी जितनी दुआएं उन्हें उसे तेरे कलाम के हटकर अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए की हैं, वो क्या गिनी जाए? गुनाह। तो फिर लोगों की मना करने ना, थोड़ी मेहरबानी वो दुआ ना कराओ जिन्हें थोड़े सुहाबना गुनाह दिया जाए, ना कराओ बरसी थोड़े सुहाबना बतालत गुनाह दिया जाए, ना करो ऐसी बेदीनी दी रस्मां जिन्हां दे विच खुदा नाराज हुंदा है। लेकिन लोग इस गल नूं मनना नहीं। कड़ा पादरी कड़ी सिस्टर कढ के लिया सन संत, कभी इस पादरी ने तुम सुनने वास्ते कभी कान खोले हो तो तुहानूं लोगों नूं पता लगे। लेकिन खुदा का कलाम देखो ज़बूर 9 च लिखता है, उसकी अदालत हो उसकी दुआ गुनाह ही नहीं जाए, उसकी उम्र क्या हो जाए? कता हो जाए, वो उम्र जिए तो उन्हें सुकून ना मिले। और फिर कलाम में लिखा उसका मन सब उसका सब कुछ कोई छीन ले और उसके उसका उसके बच्चे यतीम हो जाए, और फिर उसके बच्चे इतों तक सजा माफ करे, खुदा वारा हो गए रोटी टुकड़े टुकड़े तरसन मंगना शुरू हो जाए, लानत है मंगना। तो लोग फखर महसूस करते हैं मंग लिया तो कही गल मंगो एक कोई साथ को, खुदा ने दो हाथ दिते ने, मेहनत करो खाओ हर हाल च जियो, लेकिन अपने खुदावन के उत्ते डिपेंड करो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मंग लिया तो कि फर्क पै गए, कोई गल नहीं मंगना नहीं मंगना लानतियां का काम है मंगतियां को मंगना, तो इतने मंगण वाले ने सारे। लेकिन जेडे खुदा से यकीन करते हैं वो सिर्फ फखर अपने खुदा से, और फिर ये जेडे बाजू दिते ने उन्होंने शुक्र करके मेहनत करते हैं। और कलाम बयान करता है यतीम हो जाए उसकी बीवी बेवा, उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, उनको अपने वीरान मकामों में दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े, कर्ज खा उसका सब कुछ छीन ले। अच्छ बहुत सारिया स्टोरिया मैं सुननी हैं, लो जी फलाने कर्जा लिया सूद से, तो लोग आए उन्होंने कर्जा भी अदा किया, बुढ़िया रोंदियां ने बंदे रोंदे ने, कभी भी किसी घर में ज्यादातर चले जाओ तो इस तरह के सब मुश्किल हालात लोगों ने, तो लोग भाई साहब दुआ करो, भैन जी दुआ करो, सारा मसा भाई जी दुआ करो, सिस्टर की हल हो जाए। पिछले दिन की गल है कि पता लगा कि एक उन्होंने कर्ज लिया 50,000 तो वो हो गया 100,000, तो उन्होंने वीड्डी फुल सैल्स फ्रिज से, तो वो दुल्हन की आई अजे साल शादी हो चुके हैं, रो रहे उन्होंने पूछा बच्चे कहीं बहुत गमगीन है जी मेरे शोहर ने 50,000 लिया, पता नहीं मुझे समझ नहीं कितने खर्चे ने कितने या रिश्तेदार की शादी थी या कोई मसला से उतने खर्चे ने अपनी जिंदगी शो मार सिर्फ मतलब पहले बयान उतने वो कर्जा 20,000 से सिर्फ उसकी तनखा है, उन्हें 10,000 महीने का अगर सूद वाले ने देना है तो उस तो बाद उन्हें अपना बिल भी भरना है, अपने घर का खर्चा भी चलाना है, शख्स किस तरह उन्होंने बाजार उतारे सोचो। और साढ़े अज वो लोग गुस्से के नाल फ्रिज चुक के लै गए, मेरे माँ बाप ने तो बड़ी मेहनत नाम लगी थी ये वास्ते दुआ करो। फिर वो जवाब भी आया उन्होंने यही कलाम दिता कि खुदा का कलाम सुनो, तौबा करो, तौबा दे वक्त फल लाओ, तुहाडे हालात तुहाडे ख्याल बदल जाएंगे, खुदा तुहाडे ते रहम करेगा, तुहानूं कोई जरिया बनाएगा कि तुहानूं 50,000 पूरा कर सके, तुहानूं दे क्योंकि दे सक, लेकिन तुसीं खुदा दे कलाम नूं सुनो। खाली दुआ करना तो कुछ नहीं लभना, दुआ करो साडियां दुआवां दे विच कोई मंदर है कि जिहड़ा असीं तुहानूं जादूगरां दा पढ़ के फूक मारांगे कहांगे जां उहदी जिंद आया तो तुहानूं 50,000 रुपया पूरा, नहीं खुदा दे कलाम दी पैरवी करो तुहानूं सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जे तुसीं उहदा मनना शुरू जिहड़ा मालिक वाले ते तुहाडियां मुश्किलां वी आसान हो जाणगियां। तो लिखा है कर्ज खा उसका क्या ले रहे सब कुछ छीन ले, और लिखा है परदेसी उसकी कमाई लूट ले, कोई ना हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए, उसकी नस्ल कट जाए और दूसरी पुश्त में उसका नाम भी मिटाया दिया जाए, उसके बाप दादा की बदी खुदा के जरूर याद रहे, उसकी माँ का गुनाह मिटाया ना जाए। आज लोग की कहते खुदा तेरे ही में माफ कर दे, माफ वही उन्होंने करता है जब सच्चे दिल माफी मांग के तौबा कर दे, लेकिन इधर कलाम की ध्यान करता है जोड़ा शख्स बदी से कैम रहा बदी को छड़ता नहीं, देखो अगर एक बीज छोड़ दिता जाए पौधा उग जाए तुम खुद नोट करो, तो जो पौधा वड्डा हो जाए तो फल लगे थले बीज अगर वो डिगन जाम उगे थले अक्सर वेखे जाम उगन ना तो थले अक्सर नोट किया फिर वो नवे होर पौधे उग पे, तो जो बदी की जड़ खत्म नहीं होनी तो बदी चो बदी उगनी, वो बदी कितने जाएगी बच्चों बदी कितने जाएगी नस्लों बदी वो खत्म नहीं होएगी। इसलिए खुदा का कलाम चाहता है कि अगर असं अपने आप को बचाना चाहते हैं झूठे नबियों की बदालत में छड़िए कस्बी दियाँ आदत छड़िए अपने आप को पाक करिए तो खुदा के बड़े दिल अपना एक बार तौर के सच्चे दिल तौबा कर लीए तो अपने बच्चों की आल रड़ी अपनी नस्ल की तरबीयत
तलीम खुदा दे खौफ से रखते हैं। आज वो जमाना है, ये जमाना नहीं कि अगर कोई ऐ बहुत सारे लोग अपने अगुए तसली देंगे दे। बहुत सारे लोगों ने मेरा डायलॉग सुने, मैं नहीं चंगा तो सारे लोग कड़े चंगे, अगर मैं नहीं ठीक तो जमाना कड़ा चंगा। नो, ये बेवकूफ़ी है, ये शैतानी ताकत की मास है। अगर हम गलत हैं मुझे अपने पे गौर करना है, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमने दूसरों के अंदर खामियां और कमियां तलाश नहीं करनी, मैंने अपनी कमी देखनी कि मुझ में कौन सी ऐसी कमजोरी है जो मुझे खुदा से दूर की हुई है, कौन सी ऐसी गलती खता है जो मुझे कसबी बनाए हुए है, जो पानियों पर बैठी हुई है और ऊंटों कबीलों पर कब्जा किए हुए। खुदा का कलाम बयान करता है और नबियों की बातों पर, झूठे नबियों की बातों पर ना जाएं, ऐसे रसूलों की, ऐसे खादों की बात ना माने जो कलाम से हटकर आपको तलीम देते हैं। वो तलीम लें जो सच्ची तलीम है। अगर आज आपने इस तलीम को जान लिया तो यकीन माने आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे और खुदा इसके वसीला से आपकी आने वाली नस्लों को मजबूत करेगा। फिर जो ये कलाम 109 में लिखा है ना, ये कभी आप पर पूरा ना होगा, बल्कि उनके लिए जो खुदा के नाम की नाफरमानी और हुक्म अदली करते। फिर की बिलाफ इल्जाम होता है या हत्या, मैं बहुत सारे लोगों ने कहना खुदा ने किया है, खुदा नहीं जे कभी भी गलत। इंसान अपने गुनाह दे सबब ना आदम ने मौत ली ते मौत सारी दुनिया च फैल गई, खुदा दा बेटा आया वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाया। एक कसरत की जिंदगी की बातें यीशु ने दी हैं। कलाम चर्च लगाने का, कलाम सुनाने का मकसद नहीं है, मैं भी बचूं आप भी बचें, मेरा और आपके घराने बचे और यीशु के नाम से हमेशा खुशहाल और बबर रहे। यीशु मसीह हम सबको इस कलाम के सिरा से बरकत पाए। आमीन। खुदा का शुक्र, हालेलुया।